जादुई पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन की बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो बड़े बाजार से सस्ते दामों पर माल लाकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। फिर गर्मियों के दिनों में मोहन बाजार से बहुत सारे पंखे खरीद लाया। मैं जानता हूँ तुम सब बहुत ही खराब और घटिया किस्म के पंखे हो, और तुम में से कोई भी दो दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर भी तुम देखना मैं कैसे तुम सभी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता हूँ। ऐसे ही अब मोहन रोज रोज झूठ बोलकर पंखे बेचने लगा। फिर एक दिन गोपाल नाम का एक भोला सा आदमी उसकी दुकान के पास से गुजर रहा था। मोहन ने उसे देखा तो वो सोचने लगा, ये आदमी मुझे बहुत भोला दिख रहा है, इसे तो मैं एक पंखा बेच कर ही रहूंगा। ये सोचकर उसने गोपाल को आवाज लगाई, अरे भाई साहब आइए, मैं आपको एक बहुत अच्छा पंखा दिखाता हूँ। सुनिए भाई साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप ये पंखा खरीद लीजिए, ये पंखा बहुत अच्छा है। मोहन की बात सुनकर गोपाल सोचने लगा, मेरे घर में तो पंखा है। याद आया, कल मेरे दोस्त अरुण का जन्मदिन है, ये पंखा मैं उसे गिफ्ट में दे देता हूँ। ये सोचकर उसने मोहन से कहा, ठीक है, आप मुझे एक पंखा दे दीजिए। जरूर जरूर। पंखा लेकर गोपाल सीधे अपने दोस्त अरुण के घर पहुंचा और अरुण को पंखा देते हुए बोला, अरुण मेरे दोस्त, ये लो तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट। धन्यवाद दोस्त, ये पंखा बहुत अच्छा है, दुकानदार इसकी बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा तो आओ इसे अभी चला कर देखते हैं। पास ही रखे टेबल पर रखा और फिर जैसे ही उसने उसकी तार का प्लग लगाया, पंखा बहुत तेजी से चलकर चलते चलते बंद हो गया। ये क्या हुआ, ये पंखा तो चलते चलते बंद हो गया, लेकिन उस दुकानदार ने तो कहा था ये पंखा कभी खराब नहीं होगा। लगता है उस दुकानदार ने झूठ बोलकर तुम्हें घटिया पंखा बेच दिया। गोपाल को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके साथ किसी ने जानबूझकर धोखा किया है। अरुण को बहुत बुरा लगा, उसने गुस्से में गोपाल से कहा, दुखी मत हो गोपाल, जिसने तुम्हें झूठ बोलकर ये बेकार पंखा बेचा है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम बस मुझे ये बताओ उस आदमी की दुकान कहाँ है। पर तुम क्या करोगे, अब तुम देखते जाओ। अरुण मोहन की दुकान पर पहुँचा और बोला, अरे भाई साहब क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं। पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपए क्यों दूंगा। वो इसलिए कि मेरे पास आपके लिए एक तरकीब है। कैसी तरकीब। तरकीब ये है कि अगर आप मुझे 500 रुपए देते हैं तो मैं कल सुबह आपको उसके बदले 1000 रुपए दूंगा। क्या सच में। हाँ ठीक है, तो ये लो पैसे। मोहन ने लालच में आकर अरुण को 500 रुपए दे दिए। अरुण पैसे लेकर चला गया और अगली सुबह जैसे ही मोहन ने दुकान खोली, अरुण उसके पास आया और उसे 1000 रुपए देते हुए बोला, ये लो भाई साहब आपके पूरे 1000 रुपए। पैसे देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। 1000 रुपए, तुमने तो सच में मेरे पैसे को दुगना कर दिया। इतने सारे रुपए देखकर मोहन बहुत खुश हुआ और अब उससे रहा नहीं गया। उसने अरुण से पूछ ही लिया कि वैसे आप इन पैसों को दुगना कैसे करते हैं। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। असल में यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक बड़ा जादुई पेड़ है, उस पेड़ के पास गड्ढा करके जितने पैसे गाड़े जाते हैं अगली सुबह तक वो दुगने हो जाते हैं। वो तो आप मुझे बहुत भले इंसान लगे, इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके पैसे दुगने कर दिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर अरुण वहाँ से चला गया।
लेकिन ये सब जानकर मोहन के मन में लालच आ गई। ये सोचकर उसी रात मोहन एक बड़े से बोरे में अपने सारे पैसे भरकर जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचा। लगता है यही वो पेड़ है। उसने उस पेड़ के पास गड्ढा खोदा और अपने सारे पैसे उसमें दबा दिए। अब मुझे चलना चाहिए। सुबह अपने साथ एक और बोरा लेकर आऊंगा और दो बोरे भरकर पैसे ले जाऊंगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। अगली सुबह सूरज उगने पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पास एक गड्ढा खुदा हुआ था और उसके सारे पैसे वहां से गायब थे। मेरे पैसे कहां गए? मेरे सारे पैसे कौन ले गया? तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक कागज टंगा था। उसने पेड़ से उस कागज को खींचा तो उस पर लिखा था, इस पेड़ में कोई जादू नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने अपने लालच की वजह से आज तक बहुत से लोगों को झूठ बोलकर ठगा है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पैसे लेके जा रहा हूँ और इन पैसों को मैं उन सभी लोगों में बांट दूंगा जिनको तुमने अपने लालच के कारण ठगा है। ये पढ़ते ही मोहन समझ गया कि किसी ने उसे सबक सिखाया है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आज के बाद मैं लालच में पढ़कर कभी किसी को नहीं ठगूंगा।